40-50 हज़ार की ड्रेस हो और उस पर ऑर्डिनरी मार्केट से मिलने वाले लटकन्स लगाएंगी, मन नहीं करता। तो गाइज, आज बनाते हैं मैचिंग के लटकन आपकी वो ब्यूटीफुल सी महंगी ड्रेस के लिए। तो इसके लिए पहले आपको दो सर्कल्स कट कर लेने अपनी फैब्रिक के, जो भी आपकी ड्रेस का मेन फैब्रिक हो, और उसके साथ उतने ही दो कट कर लें आप सर्कल्स लाइनिंग के। फिर मैंने जैसे यहाँ पर लिया है शेड सिल्वर, आपकी ड्रेस जैसी भी हो सिल्वर या गोल्डन, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी लेस लें और इस तरीके से उसको लगा दें, और ऊपर से फिर लाइनिंग के फैब्रिक को ऊपर से रख के उसकी भी सिलाई कर दें। थोड़ा सा आप कॉर्नर पे से किसी भी एक कॉर्नर से छोड़ दें ताकि आप उसे सीधा कर सकें। आप देखिएगा जैसा कि मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया है लटकन को, अब जो थोड़ा सा हिस्सा वो खुला था उसे भी हम इस क्लोज कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको भी लॉक कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, जैसे कि मेरे दोनों सर्कल तैयार हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर डोरी पहले ही पलट ली थी। अब आपको इसमें बीच में रखना है और जस्ट इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सेंटर से। आपको इसे पक्की सिलाई बिल्कुल लगानी है ताकि ये बाद में खुले नहीं। ऐसे ही मैंने दोनों लटकन के जो सर्कल्स हैं इनमें मैं लगा लूँगी सिलाई। अंदर की तरफ आपको सीधा पार्ट रखना है, ऊपर की तरफ उल्टा। अब हम जैसे ही इसको डोरी को अंदर से सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी बन जाएगी। और आपने देखा होगा मैंने जो अंदर भी डोरी जो है रखी थी, क्योंकि मुझे अभी इस लटकन में एक्सटेंशंस करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पीस लिया जिसे फोल्ड कर दिया तो वो स्क्वायर बन गया। अब एक तरफ से वो ऑलरेडी ऑन फोल्ड था तो तीन तरफ से मैंने सिल लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि इसको भी हम सीधा कर सकें। तो ये देखिए, ये सीधा करके हमारी फिनिश हो गए स्क्वायर्स। जो फालतू फैब्रिक था ड्रेस का वो हमने कतरनों को कट कर लिया और अब मैंने इन स्क्वायर्स में फिल कर दिया। और फिल करने के बाद उसको फिनिशिंग के लिए मैंने चारों तरफ से क्लोज भी कर दिया और सिलाई लगा दी ताकि एकदम प्यारी सी शेप इसकी बन के आ गई। अब गाइस हमारी ये ऊपर वाली लटकन भी और नीचे वाली लटकन तैयार हो चुकी थी। देखिए गाइस अभी ये कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन अभी भी ये फिनिश नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और एक्सटेंशंस करेंगे। गाइस आपके पास अगर ओपन पर्ल्स ना हो तो आप इस तरीके की लेस ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दो तीन तरीके के अलग अलग ये मटीरियल ले लिया, जिसमें मैंने ये मोटा पर्ल लिया है, एक छोटा सिल्वर पर्ल लिया है और ये मल्टी कलर का सीक्वेंस ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पर बीच में मैंने दोनों एक्सटेंशन को जो जोड़ा है वो पर्ल से जोड़ा है ताकि इसमें ये और खूबसूरत लगे। आप मेरी जो तीन इसके नीचे के कॉर्नर्स हैं इनको मैं एनहांस करूँगी इन्हीं की हेल्प से, जो कि मैंने बीड्स लिए थे। मैंने छोटा बीड लिया क्रीम कलर का, फिर मैंने सिल्वर लिया, फिर मैंने वो मल्टी कलर वाला सीक्वेंस लिया एंड ये कटोरी सीक्वेंस होता है, और इसमें नीचे फिर हमने वाइट पर्ल लगा के इस तरीके से आप इन सबको फिक्स करते हुए चले जाएँगे। मैं यहाँ पर तीन कॉर्नर्स है, तीन कॉर्नर्स के बीच में भी मैंने लिया है, तो ये हमारे टोटल पांच लटकन हो जाएंगी पर्ल्स की। तो गाइज़ ये देखिए हमारी लटकन बनके तैयार है। अगर अभी तक तो आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ नए वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।